नमस्कार दोस्तों, मेरे टेक्निकल एकेडमी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरा चैनल टेक्निकल एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड बटन पर क्लिक करके सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकॉन को दबा दें ताकि जो भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नई नई वीडियो मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूँ वो आप तक नोटिफिकेशन के जरिए आसानी से पहुँच जाए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको फोटोशॉप की एक बहुत ही छोटी और लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, इस सेटिंग से बहुत लोगों को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। दोस्तों, मुझे भी इससे कई दिनों तक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। दोस्तों, इससे क्या होता है कि अगर आप फोटोशॉप पे कोई भी चीज़ बना रहे हैं, आपको इरेज करना है, कट करना है, तो आप ये सारे टूल का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर इन सारे टूल में सेटिंग ही सही से ना आए तो आप उसका यूज़ कैसे करेंगे। जैसे कि मुझे मान लीजिए लेज़र टूल का यूज़ करना है, तो अब मुझे लेज़र टूल में प्लस साइन आ रहा है। दोस्तों, अब मैं इस प्लस साइन को कैसे हटाऊंगा और मुझे कोई भी चीज़ सेलेक्ट करनी होगी तो मैं क्लियरली ठीक से नहीं कर सकता क्योंकि मुझे इसका मेन पॉइंट नहीं पता चल रहा है। तो दोस्तों, इससे हमारी कई फ़ोटो या कई भी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। तो दोस्तों, इस बहुत ही आसान सी सेटिंग है। सिर्फ आपको क्या करना है इसमें कि आप में अगर ऐसे प्लस साइन आ रहा है तो आप टेंशन मत लीजिए, तो आप चेक कर लीजिए कि आपका कैप्स लॉक ऑन है कि नहीं। दोस्तों, अगर आपका ऐसा प्लस साइन आ रहा है तो आपका कैप्स लॉक की कंप्यूटर में ज़रूर ऑन होगी। तो दोस्तों, बस उसे आपको क्लोज़ कर लेनी है। आप अपने कैप्स लॉक की पर एक बार बटन दबा दीजिए, क्लोज़ हो जाएगी। ये देखिए दोस्तों, आपके सारे टूल्स अब क्लियरली आने लगेंगे। दोस्तों, आपके पॉइंट का भी पता चलेगा। अब मैं चाहे जो टूल्स लूँगा बिल्कुल ही ठीक से आएंगे। और मैं यहाँ पर एक बार फिर अगर कैप्स लॉक ऑन कर देता हूँ, देखिए दोस्तों, तो ये चला गया। फिर मैं कैप्स लॉक ऑन करूँगा तो मेरा वापस आ जाएगा। दोस्तों, ये बहुत ही छोटी सी सेटिंग थी लेकिन इसके वजह से बहुत लोगों को बहुत सी दिक्कतें झेलनी पड़ती है। मुझे खुद कई दिनों तक इससे बहुत परेशानी हुई। उसके बाद मैंने धीरे धीरे सीख लिया कि ये कैसे होता है, क्योंकि शुरू शुरू में फ़ोटोशॉप चलाते हैं लोग तो उन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं होती और बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी सेटिंग है, इसे आप ध्यान दीजिए। अगर आपको भी यही प्रॉब्लम आ रही है तो इसे आप इस तरह दूर कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू दोस्तों सो मच। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। बाय बाय।